तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनते ही सुषमा स्वराज सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के पास गई थी। लेकिन वो क्यों गई थी? स्वर्गीय मदन लाल खुराना ने सुषमा स्वराज को क्या सीख दी? इस पर बात करने के लिए मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना से बात की है हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने। पूरा देश स्वर्गीय सुषमा स्वराज को याद कर रहा है, उनकी राजनीतिक कंट्रीब्यूशन को जहन में अपने डाल रहा है। ऐसे में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद सुषमा स्वराज को सबसे पहले राजनीतिक गुर सीखने के लिए किसके पास जाना पड़ा? वो नाम है स्वर्गीय मदन लाल खुराना। और ये सब किस्सा जानने के लिए स्वर्गीय मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, आपके भी जहन में वो वाक्य आया होगा जब सुषमा स्वराज जी शपथ भी नहीं ली थी, लेकिन सुबह 7 बजे आपके घर का दरवाज़ा खटखटा दिया। देखिए, आज बहुत ही दुखद दिन है। जब मेरे पिताजी की तो बहन, हम लोग बहन भाई का रिलेशन था दोनों का, मेरे लिए तो पर्सनल लॉस भी हुआ है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 98 के अंदर उनको CM बनाया गया था दिल्ली का। वो केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रही थी और उनको बोला गया था कि दिल्ली की कमान आप संभालिए। तो मुझे याद है कि सुबह 7 बजे पिताजी के पास वो आए और पूछा कि दिल्ली का कैसे करना है, और उन्होंने तमाम उस तरह की बातें डिस्कस करी। और मुझे याद है पिताजी ने कहा था कि तुम अगर करना चाहते हो और लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हो तो सबसे पहला काम ये करो कि जब आप निरीक्षण करने जाओ तो औचक निरीक्षण हो, शाम को दौरा करा करो, तो उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। और मुझे याद है कि जब सुषमा जी एक इमेज बन गई थी कि जब वो रात को गश्त निकालती थी और उस वक्त महिला सुरक्षा की वहाँ उस वक्त जितनी चाक चाक चौक बंद हुई थी, जितना महिला उन दिनों में अपने आप को सुरक्षित समझती कभी भी नहीं समझी, आज तक नहीं समझ पाए। एक तो ये बात थी, दूसरी मुझे लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सुषमा जी और खुराना जी के जब बहन भाई का रिलेशन में दिल्ली के लिए उन्होंने हमेशा डिस्कशन करा। जब उनको मिलते थे, जब मिलते थे तो दिल्ली के बारे में बहुत ज़रूर डिस्कशन होता था। दिल्ली मुझे लगता है कि दोनों के दिल में बसी हुई थी, चाहे वो खुराना जी हों चाहे सुषमा जी हों। सुषमा जी को भी दिल्ली से बहुत प्यार था और तमाम कभी जब मिलना मिलना चाय गपशप खाने खिलाने की बात, उनको भी खाने का शौक़ था, खुराना जी को भी खाने का शौक़ था। मुझे लगता है कि आज ये विडम्बना भी है, देखिए 1 साल के अंदर 3 दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री चले गए और आज दिल्ली के अंदर जो 4 पूर्व मुख्यमंत्री होते, तो चारों के चारों इस दुनिया में नहीं है। ये दिल्ली की विडम्बना ही कह लीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम पे एक भी चेहरा आज दिल्ली के अंदर नहीं है। मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। और कौशल जी जो हमारे बड़े बड़े हैं, आदरणीय हैं, और बेटियाँ हमारी जो बांसुरी है उनको इतनी शक्ति दें कि इस दुख सहन करने की शक्ति दें, क्योंकि ये माँ का दुख जो है, माँ का चले जाना असहनीय होता है। जिम्मेदारी दे के गई हैं आपको अब सीनियर बनने की। देखिए, वो शख्सियत ऐसी हैं कि हमेशा प्रेम किया है। कल जब द खबर आई, आई वॉज शॉक्ड। मेरे ख्याल से मैं क्या अकेला क्या शॉक था, पूरा हिंदुस्तान आज सदमे में है। लेकिन मैं एक जो 5 साल का जो कैरियर इनका रहा टुवर्ड्स फॉरेन मिनिस्टर, वो अपने आप में उल्लेखनीय रहा। जिस प्रकार से उन्होंने एक ट्वीट के ऊपर या मैसेज के ऊपर एक्शन लेती थी, चाहे किसी का पासपोर्ट खो जाए, कोई या कोई भारतीय कहीं विदेश में फंस जाए, उनका कुछ पासपोर्ट खोना या कोई भी छोटी तरह की समस्या होती थी, एक ट्वीट के ऊपर एक्शन लेते हुए उनका सॉल्व करना, यही कारण था कि आज वो देश में नहीं, आज विदेशों में भी एक सुपर मॉम की तरह, एक ऐसे व्यक्तित्व के माँ समान की व्यक्ति की तरह उन्होंने काम किया है। ऐसे व्यक्ति के लिए मेरी श्रद्धांजलि। तो एक नेता के लिए असल पूंजी यही रहती है कि कार्यकर्ता अपने अलग अलग अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, और जब एक समर्थक अपनी माँ का दर्जा दे देता है किसी नेता को, तो उस शख्सियत का औंधा देश के लिए क्या होगा, ये सहज समझा जा सकता है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़।